हेलो दोस्तों, आगरा सीरीज के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो मैं पहुंच चुका हूँ रामबाग पार्क। आप लोग देख सकते हो वो रामबाग पार्क गेट है। तो अभी हम जा रहे हैं और दिखाएंगे अंदर कैसा है और यहाँ टिकट कितने रुपए है। तो अभी हम टिकट काउंटर पर जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ टिकट कितने रुपए है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हम रामबाग में अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमें ये टिकट है जो 25 रुपये का पड़ा है। तो आप लोग यहाँ टिकट ले सकते हो और एंट्री करने के लिए कुछ चेकिंग वगैरह होती है, वो आप करवा के एंट्री ले सकते हो। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, इसमें पहले पानी भरा रहता था, अभी इस टाइम पे पानी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो नालियाँ देख रहे हो मेरे पीछे, इन नालियों के जरिए पूरे बाग में पानी जाया करता था, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडक भरा हो जाया करता था। आप लोग देख सकते हो और मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, पानी ऊपर से आया करता था। दोस्तों, आप देख सकते हो जो वो ऊंची वाली जगह है, वहाँ से पानी नालियों के जरिए इस तरह से यहाँ पर आया इकट्ठा होता था और वहाँ से पूरे बाग में जाया करता था। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं रामबाग, सबसे ऊपर वाली जगह है वहां पे। तो वहां पे आप लोग देख सकते हो ये कच्छ बने हुए हैं और इधर है सामने। आप जो पुल देख रहे हो वो बाटरक्स पुल है, वो यहाँ से बिल्कुल पास में ही दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हो पीछे। और आप हमारे पीछे देख ही रहे होंगे जमुना जी, यहाँ से बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ बहुत धूप है, हम शाम के 5 बजे आए यहाँ पे। चलो दिखाते हैं और क्या है। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे कच्छ देख रहे हो, यहाँ मुगल परिवार गर्मियों के दिन में आया करता था, क्योंकि ये जमुना जी के किनारे बना हुआ है, तो गर्मियों के दिन में यहाँ बहुत ही ठंडक हुआ करती थी। तो ये जो कच्छ देख रहे हो, ये वो वही है जहाँ पे मुगल परिवार आया करता था। और ये देख रहे हो आप, इधर भी बने हुए हैं कुछ कच्छ, और इसके जो बीच में आप दोगे हुए, तो ये फुटबाल इसमें पूरे में पानी भरा जैसा था उस टाइम। Thank you.
आप देख रहे हो जो चारों तरफ पानी भरा रहता है, वहाँ ये जो देख रहे हो खम्भों से पुल बनाया गया था। तो चलो चलते हैं इस पे। और ये बहुत ही कम जगह में बना हुआ है।